Hello friends, welcome to my channel Simple Spice. आज बनाते हैं खट्टी मीठी तीखी कैरी की सब्जी। इसे मराठी में मेथांबा भी बोलते हैं। कैरी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है दो मीडियम साइज कैरी जो लगभग 250 ग्राम के करीब है। इसे अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट हमने लिया है हाफ कप गुड़, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून हींग, 1/4 टी स्पून हल्दी एंड राई। आपको अगर कैरी की सब्जी तीखी चाहिए तो आप आपके हिसाब से लाल मिर्च पाउडर एडजस्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है जिसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून ऑयल। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे राई। राई को अच्छे से तड़कने दे तो ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। अब गैस को स्लो फ्लेम पे करके ऐड करेंगे हींग, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स करेंगे। इसे फटाफट मिक्स करना नहीं तो ये जल सकता है। अब हम इसमें कैरी ऐड करेंगे। कैरी को स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। पानी डालेंगे, मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। आपको अगर ग्रेवी की सब्जी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी डालने के बाद नमक डालेंगे। इसे मिक्स करके 4 से 5 मिनट तक ढककर रख के पकाएंगे। आप देख सकते हो हमारी कैरी अभी पक चुकी है। अब हम इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं। अगर हम गुड़ पहले ऐड करते तो हमारी कैरी अच्छे से नहीं पकती, इसलिए गुड़ को लास्ट में ऐड करना चाहिए। अब गुड़ को ऐड कर लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने गुड़ के बहुत पतले पतले पीसेस किए हैं जिससे गुड़ इसमें बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। एक और बार ढक्कन रखेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। आप देख सकते हो हमारा गुड़ इसमें अब पूरा मिक्स हो चुका है। तो थोड़ा सा इसे हिलाएंगे। कैरी की खट्टी मीठी तीखी सब्जी रेडी हो चुकी है। इसे एयरटाइट कंटेनर में निकाल के फ्रिज में रख देंगे तो हम इसे 3 वीक तक भी यूज कर सकते हैं। अचार की तरह किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं या तो खिचड़ी के साथ भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।